आज हम बात करेंगे रवि मक्का की उत्पादन एवं तकनीक के बारे में। जी, अभी आपका रवि सीजन आ रहा है, रवि मौसम आ रहा है, तो इस रवि मौसम में आप मक्का की खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं। मक्का के लिए आप जैसा इसका जो किस्म है, एक है आपका बिरसा मक्का एक, ये आपका रवि में करते हैं तो इसका उपज आपका खरीफ की अपेक्षा ज़्यादा होता है। आप इसी को लगाते हैं खरीफ, मतलब 14 क्विंटल पर एकड़ आता है। अब इसको हम रवि में लगाएंगे तो इसका आपका उत्पादन हो जाएगा 16 क्विंटल प्रति एकड़, तो ये आपका 110 दिन में तैयार हो जाएगा। इसी तरह से और एक किस्म है बिरसा विकास मक्का 2, ये आपको उपज देगा 18 क्विंटल प्रति एकड़ और ये करीब 105 से 110 दिन का वैरायटी है। इसके अलावा है आपका स्वान कंपोजिट 1, ये इसका उत्पादन थोड़ा सा ज़्यादा है, ये आपका करीब 20 क्विंटल प्रति एकड़ आपको उपज देगा और इसमें आपका समय लगेगा करीब 130 दिन। इसके अलावा और एक किस्म है जिसमें आपका उच्च कोटि का प्रोटीन उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा, उसका हम लोग बोलते हैं HQPM 1, ये आपका उसका उत्पादन करीब आपका 24 क्विंटल प्रति एकड़ है और इसमें आपका लगेगा, आपका जो समय लगेगा 135 दिन के करीब लगेगा। इसके अलावा और एक किस्म है आपका HM4 करके, तो इसका उत्पादन आपका थोड़ा ज़्यादा है, इसका 24 क्विंटल आपका प्रति एकड़ इससे उत्पादन मिलेगा और करीब आपका इसमें समय लगेगा 135 दिन। तो इसके लिए आपको एक एकड़ के लिए आपको बीज करीब आपको लगेगा 8 किलो प्रति एकड़, तो इसको हम लोग लगाएंगे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। जैसे कि अभी आपका धान है, धान कटने के बाद जहां पर आप सिंचाई का साधन है वहां पर आप इसको लगा देंगे, तो इसकी दूरी होगी कतार से कतार आप इसको रखिएगा 70 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा इसका दूरी होगा 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसमें आपको शुरुआत में खाद देना होगा, जैसे गोबर खाद देते हैं या कार्बनिक खाद देते हैं, तो 4-5 टन प्रति हेक्टर आपका खाद देना पड़ेगा। और शुरुआत में ही अगर आप DAP 50 किलो प्रति एकड़ करके देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए शुरुआत में ही 50 kg प्रति एकड़ DAP दीजिएगा। इसके अलावा शुरुआत में 30 किलो आप उसमें यूरिया भी दे दीजिए और पोटाश करीब 25 किलो पोटाश दे दीजिए। अब इसके बाद यूरिया को फिर दोबारा हम लोग देंगे 1 महीना के बाद, जब हम लोग मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय हम लोग यूरिया करीब 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया दे लेंगे, उसके बाद मिट्टी चढ़ा देंगे उसके ऊपर। फिर तीसरी बार जब हम देंगे, जब उसमें उसका धन बाल जो निकलता है उस समय हम लोग फिर 25 किलो प्रति एकड़ यूरिया देंगे। अब इसके अलावा मान लीजिए आपके इसमें आपका खेत में घास बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप घास मारने वाली दवा दे सकते हैं, जैसे कि आपका एट्राजिन है, एट्राजिन का आपका पाउडर आता है, तो इसको आप 1.5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से दे सकते हैं, इससे आपका खाद का मतलब घास का नियंत्रण हो जाएगा।